अरे कृपया शांत रहे ब्रदर, आप ही लोगों के कारण ये इवेंट हो रहा है और आप ही लोग इसको ऑर्गेनाइजर भी आप ही हैं, कृपया शांत रहे। सर की एंट्री होने वाली है और आप लोग इस रिक्वेस्ट से जोरदार तौर पर स्वागत करेंगे हमारी सरकार। आप लोग अपने सीट पर बैठ जाइएगा।
जगत
सबसे पहले सर को प्रणाम करता हूँ और शुरुआत में थोड़ा भूगोल पढ़ने में मेरे को सच में दिक्कत होती थी लेकिन और डर भी लगता था, लेकिन सर का आशीर्वाद है और जिसकी वजह से आज मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट अगर कोई है तो अभी वर्तमान समय में भूगोल हो गया है। सर जब पढ़ाते थे तो इतना ऊर्जा और इतना लगन से पढ़ाते थे, जब ऐसे हाथ कर कर प्लेटों में टकराते थे लगता था कि भाई साहब भूकंप ऐसे ही होगा। तो सर आपकी मेहनत को खराब नहीं होने देंगे और बस दो लाइन कह के अपनी बात समाप्त करूंगा कि किताब पर लगी है जिंदगी, किताब पर लगी है जिंदगी रुकेंगे नहीं, किताब पर लगी है जिंदगी रुकेंगे नहीं, कितने भी मुश्किलें झुकेंगे नहीं। कराते थे क्योंकि सीजी बोर्ड में 14 नंबर का मैं पाता था और वो भी मैं ढंग से नहीं कर पाती थी। सच में सर का ही आशीर्वाद है कि आप मुझे भी बोर्ड सब्जेक्ट अच्छा लगता है और थैंक यू सर। मलक का है पूछ ले आगे बढ़ते हुए मैं मिस्टर कविराज सिद्धार्थ सिंह
अरुण जी को और जोर पे गाते कविराज सिद्धार्थ जी क्या छू लिया भाई पैर छू ली सुधांशु जी जितेश मीणा जी रजत पाल जी प्रिंस सिंह जी भावेश सिरमौर जी सबसे बेवकूफ कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए अगले चरण के लिए मैं अपने सहायक संचालक को आमंत्रित करती हूँ। वे आए मंच पर और मंच की बागडोर संभाल कर कार्यक्रम को थैंक यू सो मच अंजलि। पीछे वाले मित्रों आवाज आ रही है ना? नहीं आ रही, सुनना नहीं है। आगे आगे वाली लाइन लग रही, थोड़ी दूर बैठी है, पास में आ जाते तो थोड़ा बस बस अच्छा, थोड़ी सी शांति बनाए रखे, थोड़ी सी शांति बनाए रखे, क्योंकि पास में लाइब्रेरी भी है और पास में क्लासें भी चल रही है। सर नहीं दिख रहे, सर तो गुड बॉय, कंटिन्यू थोड़ा संतुलन बना लो, संतुलन बना लो, संतुलन आवाज आवाज बढ़ा ले, आवाज बढ़ा ले। कार्यक्रम की निरंतरता को बनाए रखने के लिए मैं कहूंगा कि आखिर इस व्यस्त दिनचर्या में कुछ खुशी के पल का इंतजार होता है। आखिर इस व्यस्त दिनचर्या में कुछ खुशी के पल का इंतजार होता है, कुछ पल यादों से जुड़े होते हैं, कुछ यादें पलों से। उन्हीं यादों को बनाए रखने के लिए आज हम सब दृष्टि की पावन भूमि पर इस छोटे से कक्ष के अंदर सारे एकत्रित हुए हैं और इस सभी के लिए मैं कैलाश बिश्नोई, मेरी सहायक मित्र वर्षा, आप सभी का स्वागत करते हैं इस सुनहरे से मौसम के अनोखे से दिन की इस सुहाने से शाम में। ठीक है, आई होप आप सभी एंजॉय कर रहे होंगे। शांति रखोगे तो एंजॉय करोगे ना, शांति तो रखो, एंजॉय सब कुछ होगा क्योंकि आज हमको लिखना भी नहीं पड़ रहा है। इसी के साथ मैं पहली प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करूंगा आनंद कुमार फाउंडेशन 37 के लिए, जो आपके सामने पोइट्री बढ़कर आपका है प्रोग्राम की निरंतरता को बनाए रखेंगे। तो आनंद कम ऑन द स्टेज। Thank you.
नोटिस भी आ चुके हैं कि पास में मेंस मेंस लिखने वाले भी बैठे हैं, थोड़ी सी शौकी है। आज से लगभग 5-6 महीने पहले हम सबसे मिले थे और हम अनजान बनकर मिले थे, देखते ही देखते सब हमारी जान बन गए। सर की जो सर की ताकत के लिए कुछ लिख पाना या सर के हिसाब से कुछ कह पाना मेरे लिए तो मुमकिन नहीं है, लेकिन कुछ लिखा है, कुछ कहता हूँ, कुछ सुनिएगा। कि सुंदर सुर सजाने को मैं साज बनाता हूँ, ये परिंदों को मैं बाज बनाता हूँ, चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, तब कहीं दुनिया बदलने की आवाज बना। समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, मैं डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूँ, तब दुनिया बदलने की आवाज बनाए। चाहे चांद पर कोई बुर्ज खलीफा, कि बनाए चाहे चांद पर कोई बुर्ज खलीफा, अरे मैं तो कच्ची ईंटों को ताज बनाता हूँ, अरे मैं तो कच्ची ईंटों को ताज बनाता हूँ। ढूंढो मेरा मजहब जाके इन किताबों में, मैं उन्हीं से आती और नमाज कि ना मुझसे सीखने आना कभी जंतर जुगाड़ के, अरे मैं तो मेहनत लगन के रिवाज बनाता हूँ। वाह। नजूमी ज्योति तारों को तकना छोड़ दो तुम, है जो आने वाला कल उसे मैं आज बनाता हूँ। अब आप सबके लिए कुछ कि शब्दों को अधरों पर रखकर मन का भेद न खोलो, मैं आंखों से सुन सकता हूँ तुम आंखों से बोलो। किसे बोल रहा है भाई? सुनिएगा। कि दीवानों से पता कर लो पता होगा, वो कल मंजिल बनेगा, आज जो खुद लापता होगा, वो कल मंजिल बनेगा, आज जो खुद लापता होगा, जहाँ के वास्ते वो बेवफा था या के पत्थर था, हमारा सर झुका होगा तो कोई देवता होगा। भाई दूसरे को आने दे, अब जल्दी लिख देंगे। भूल गए क्या? कहानी को कोई तो मोड़ दो ना, बुरे हम तो हमको छोड़ दो ना। अरे तुझे पकड़ा क्यों? इन सब के नाम और आप सब दिलवालों के नाम, कि लहू के तेजुरिस्ते वो छोड़ कर आ गए, कि लहू के तेजुरिस्ते वो छोड़ कर आ गए, सुकून आंखों के सामने था मुमोड़ के आ गए, और खजाने लुट रहे थे माँ बाप की छाव में, अब गौड़ियों के खातिर घर छोड़।